हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर संकेत शाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि आँख में आई ड्रॉप्स कैसे डालते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर, आँख में आई ड्रॉप्स तो आपने प्रिस्क्राइब कर दिए, लेकिन उसको डालना कैसे है? तो चलिए आज समझते हैं आँख में आई ड्रॉप्स कैसे डालना है। आई ड्रॉप्स डालने से पहले सबसे पहले आपको अपने हैंड को वॉश करना है। आप पानी से भी वॉश कर सकते हो। अगर आप हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहो तो हैंड रब से भी अपने आपको हैंड को आप सैनिटाइज कर सकते हो। हैंड को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद आप जब भी आई ड्रॉप डालो तब पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आई ड्रॉप की जो कैप है वो कैप को हाथ नहीं लगाना है। जो टॉप का एरिया है उसको हमें हाथ नहीं लगाना है। आप जब भी आई ड्रॉप डालो हो सके तो अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए। अगर हेल्प संभव नहीं है तो आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। जब भी आई ड्रॉप डालना हो किसी को तो पेशेंट को आप ऊपर देखने को बोलिए और हमें पेशेंट के नीचे की पलके को रिट्रैक्ट करना है। पलके रिट्रैक्ट करने के बाद जो लोअर कॉर्निक्स होता है, आँख का जो ये खड्डा बनता है, वो खड्डे में हमें एक बूंद डालनी है। ड्रॉप डालने के बाद पेशेंट को आँखें बंद करने को बोलिए और जो भी एक्सेस आई ड्रॉप है आप उसको वाइप कर सकते हो। दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि सर, हमें कितनी बूंदे आई ड्रॉप डालना है? आप जब भी आई ड्रॉप डालो तब हमें एक ही बूंद डालना है। एक से अधिक बूंद डालोगे तो आँख में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरा ड्रॉप वेस्ट हो जाएगा। और तीसरा पेशेंट का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर, हमें एक ही समय पर डॉक्टर साहब ने दो आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किए हैं, तो दो आई ड्रॉप के बीच में कितना गैप रखना चाहिए? आपको एक समय पर ही अगर दो आई ड्रॉप डालने हैं तो एक आई ड्रॉप पहले डालिए। कौन सा पहला कौन सा दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता है। एक आई ड्रॉप डालने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट अपनी आँखें बंद रखनी है, तभी पहले आई ड्रॉप की इफेक्ट आएगी। 2 या 3 मिनट के बाद आप दूसरा आई ड्रॉप डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।